ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। नगर पालिका निगम भिलाई चिरौदा के सभी वार्डों में जनहित एवं क्षेत्रवासियों की सुविधा को देखते हुए अनेक जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए 19 दिसंबर से 17 जनवरी तक शिविर का आयोजन लगातार 40 वार्डों में किया जा रहा है। निगम महापौर निर्मल कोसरे के द्वारा क्षेत्रवासियों से अपील करते हुए कहा गया कि इन शिविरों में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होकर आधार पंजीयन, उन्नयन, ई श्रमिक कार्ड, आयुष्मान कार्ड, मुख्यमंत्री मितान योजना में मिलने वाली विभिन्न सुविधाओं का लाभ प्राप्त किया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि उपरोक्त आवश्यक सेवाओं के लिए लोगों को इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा, बल्कि अपने स्थान पर ही अपने वार्ड में ही यह सुविधा मिलने से उन्हें कार्यों में सहजता मिलेगी। मैंने मीडिया के माध्यम से भी शहरवासियों को अपील किया था। भिलाई चिरौदा नगर निगम क्षेत्र के जो रहने वाले नागरिक हैं, उन लोगों से मेरा निवेदन है कि आपके वार्ड में अभी हम लोग लगातार शिविर लगवा रहे हैं। आधार कार्ड सुधरवाना, नाम का त्रुटि हो जाना, जिसके वजह से इधर उधर भटकना पड़ता है, तो आधार कार्ड सुधारने के लिए, आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए और श्रम कार्ड बनाने के लिए, ये तीनों का हम लोग शिविर लगा रहे हैं। उरला में शिविर संपन्न हो चुका है, साथ ही साथ अभी पालिका बाजार में भी शिविर चल रहा है। सारे वार्डों में 19 तारीख से लेकर 12 जनवरी तक लगातार शिविर होगा। इन शिविर के माध्यम से आप अपने संबंधित वार्ड में वार्ड पार्षद के माध्यम से या हमारे नगरीय निकाय के जो कर्मचारी अधिकारी हैं उनके माध्यम से शिविर स्थल में जाकर अपना आधार कार्ड सुधरवा सकते हैं, अपना आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं, या श्रम कार्ड बनवाना है श्रम कार्ड भी आप वहाँ पर बना सकते हैं। इससे होगा ये कि आप जैसे आपको जाति प्रमाण पत्र, निवासी प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र के लिए भी इधर उधर भटकना पड़ता है, उसकी भी जरूरत नहीं है। 1-4-5-4-5 में आप मितान को फोन लगाइए, वो आपके घर में पहुंचकर आपका प्रमाण पत्र बनाएंगे। 14 प्रकार का प्रमाण पत्र उसमें बनेगा और हमारे शिविर स्थल में भी हमारे जो मितान हैं वो उपलब्ध रहेंगे। वहां पर भी इसके अलावा भी आप लोग को कोई भी प्रमाण पत्र बनाने की आवश्यकता है तो वहां भी आप जाके बना सकते हैं। अभी तक हमको 122 आवेदन प्राप्त हुए थे उरला में, जिसका निराकरण हो चुका है। साथ ही साथ 64 आवेदन हमको वार्ड नंबर 1, 2, 3 में प्राप्त हुआ था। इसके अलावा 31 और वार्ड नंबर 18 के और वार्ड नंबर 19 के 12 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसका तत्काल निदान किया जा चुका है। तो मैं पुनः अंतिम बार अपील करना चाहूंगा लोगों से कि आप आए और शिविर का ज्यादा से ज्यादा लाभ। बहरहाल शिविरों का आयोजन निगम के सभी 40 वार्डों में किया जाएगा। इन शिविरों में महत्वपूर्ण व्यवस्था करने अधिकारियों एवं कर्मचारियों को दायित्व प्रदान किए गए हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई 3 से शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट।